हेलो एंड वेलकम टू एमएफएफ हिंदी। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करना है। यस, मैंने पोल डाला था आयरन मैन का बिल्ड वीडियो चाहिए या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने आयरन मैन का यहाँ पे पोल में वोट दिया है, बाकी डॉक्टर स्ट्रेंज भी एकदम करीब है। तो मैं आपको इस वीडियो में ओवरऑल सारे कैरेक्टर को, जितने भी गेम में कैरेक्टर हैं, सबको बिल्ड करते वक्त क्या ध्यान देना है, कैसे बिल्ड करना है, कौन से हिसाब से उरू देना है, क्या देख के आईसोएड देना है, क्या देख के सीटीपी देना है, सब कुछ यहाँ पे आइडिया बताने वाला हूँ ओवरऑल सारे कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो, सबसे पहले क्या करना रहता है अपने को, सबसे पहले देखना है कैरेक्टर का स्किल। यस, किसी भी कैरेक्टर को बिल्ड करते वक्त अगर यूनिफॉर्म परचेज किया है तो उसका स्किल देखो। सबसे पहले उसका पूरा का पूरा स्किल देख लो, कौन से स्किल में क्या है इसके पास, ठीक है, पूरा का पूरा स्किल देख लो। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज के केस में अभी इसके फोर्थ स्किल में है एक्युमुलेशन, जो कि डिपेंड करता है आपके डिफेंस में और डॉज पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्युमुलेशन डेल टू इनिमी रिगार्डलेस ऑफ डिफेंस एंड डॉज, ठीक है, डिफेंस और डॉज पे इसका एक्युमुलेशन डिपेंड करता है। तो अगर 75% का डॉज रहेगा तो अच्छे से एक्युमुलेट होगा, इसका मतलब यही होता है, और मैक्सिमम ऑल डिफेंस रहेगा तो भी। तो ये देख लिया फोर्थ स्किल। तो कैरेक्टर में देखना है स्किल इफेक्ट, और बाकी देखो फिफ्थ स्किल में क्या है। इसमें है ये, जब हम फिफ्थ स्किल यूज करेंगे तो इसमें हमको मिलेगा 30% का क्रिटिकल रेट, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ये याद रखना कि इसके स्किल में, फिफ्थ स्किल में क्रिटिकल रेट हमको मिल रहा है 30% का, क्योंकि जब हम उरू देंगे तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी देखो टीयर टू पैसिव भी देख लेना है, फोर स्टार पैसिव भी देख लेना है, सब कुछ देख लेना है क्या क्या हमको मिल रहा है, ठीक है। तो स्किल देखो, फिफ्थ स्किल में क्रिटिकल रेट है, और इसके बाद में फोर्थ स्किल में एक्युमुलेशन है, यानी कि हमको इस कैरेक्टर को पूरा का पूरा यहाँ पे 75% का डॉज पहुँचाना है। किसी भी हाल में डॉज 75% होना चाहिए डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए, मैक्स डैमेज के लिए, और क्रिटिकल रेट 45% रहेगा तो भी चलेगा। क्रिटिकल रेट देखो मेरा यहाँ पे 75% दिखा रहा है, अगर इतना नहीं पहुँचता है, 40-45% भी पहुँचता है तो भी चलेगा, क्योंकि 30% हमको फिफ्थ स्किल से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले स्किल ध्यान में रखो क्या क्या मिल रहा है स्किल से। दूसरा चीज़, आपको यहाँ पे आइसोलेट सेट करना है, सेकेंड काम आपको करना है आइसोलेट सेट करना है। तो इसमें क्या करना है, हालांकि करने के हिसाब से तो फर्स्ट काम यही है, ठीक है, आइसोलेट सेट करना है। तो इसमें तीन हैं जो कि अच्छे वाले हैं, जिसको सेट कर सकते हो, हाकाई, पावर ऑफ एंग्री हल्क, ओवरड्राइव, इन तीनों में से कोई भी आ जाता है तो चलेगा। बाकी देखो ये जो चाओटिक एसोइट है ना, इसमें डबल इफेक्ट होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो डबल इफेक्ट होता है, और बाकी वाले में एक सिंगल इफेक्ट होता है। तो ये वाला कौन से वाले में, तीन है, देखो अभी देखो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, पावर ऑफ एंग्री हल्क में तीन है, ठीक है, ये वाला चाओटिक एसोइट पावर ऑफ एंग्री हल्क में तीन है, यानी कि तीन बार आपको यहाँ पे डबल इफेक्ट का चांस मिलेगा। आप इसको यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके कैरेक्टर का थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इस वाले में बहुत सारा इफेक्ट मिलता है, जैसे कि यहाँ पे एनर्जी अटैक डॉज मिला है, ठीक है, एनर्जी अटैक डॉज और ऑल अटैक भी मिलता है, ऑल अटैक, ऑल डिफेंस, ऑल अटैक एचपी, बहुत सारा आता है इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑल अटैक, उसके बाद में एनर्जी डिफेंस है, ऑल अटैक एचपी है, तो ये दो इफेक्ट मिलेंगे आपको। तो सबसे बेटर यहाँ पे पावर ऑफ एंग्री हल्क है, उसके बाद में यहाँ पे हाकाई, ओवरड्राइव, इन दोनों में से कोई भी आता है तो भी आप ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे रख सकते हो, ये तीनों में से कोई भी रख सकते हो, खास करके डैमेज डीलिंग कैरेक्टर के लिए। और अगर टाइमलाइन बैटल के लिए यूज करना है, कैरेक्टर बिल्ड करना है, स्टार्क बेकिंग, आई एम ग्रूट, ये दो है जहाँ से आपको रिकवरी मिलती है, 32% की रिकवरी ऑफ मैक्स एचपी, ठीक है, जो इसका एक्टिव होगा आइसोलेट तो आपको 32% का रिकवरी मिलेगा, लेकिन एक ही टाइम मिलेगा क्योंकि कूल डाउन इतना ज़्यादा है। तो देखो आइसोलेट में ये तीन है, यहाँ पे तीनों में क्या मिला, इंक्रीज ऑल बेसिक अटैक बाय 40%, मैक्सिमम कर लोगे तो 40% का ऑल अटैक बढ़ेगा जब इसका आइसोलेट का इफेक्ट अप्लाई होगा, आइसोलेट हो गया। उसके बाद में कस्टम गियर में आपको देखो रेज, एनर्जी डिस्ट्रक्शन, उसके बाद में ग्रीड और जजमेंट एलिमेंटल टाइप कैरेक्टर के लिए, ठीक है, जितने भी एलिमेंटल टाइप कैरेक्टर हैं उनके लिए है। बाकी रेज नंबर वन सीटीपी है फॉर न्यू प्लेयर्स, खास करके जो लोग रिफॉर्ज नहीं कर सकते सीटीपी, माइटी नहीं कर सकते हो, तो सबसे बेटर सीटीपी जो है वो है रेज,
बिना रिफोर्स के सबसे बेस्ट सीटीपी रेज है। तो रेज क्यों बेटर है ये देख लो आप यहाँ पे, क्योंकि इंक्रीज 0.9% बेसिक डैमेज पर 1% ऑफ डॉज रेट एंड क्रिटिकल रेट। तो देखो हमको यहाँ पे एक्युमुलेशन के लिए भी डॉज रेट चाहिए, और अगर सीटीपी ऑफ रेज देते हो तो भी आपके कैरेक्टर पे टोटल इफेक्ट जो यहाँ पे आता है इसमें क्रिटिकल रेट और डॉज रेट मैक्सिमम होना चाहिए, तभी जाके आपका रेज का डैमेज काफ़ी अच्छा होगा, तभी जाके आपके रेज का डैमेज ठीक होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल रेट और डॉज दोनों होने चाहिए, खास करके रेज अगर दे रहे हो तो, और एक्युमुलेशन भी है इसमें तो एक्युमुलेशन के लिए भी चाहिए डॉज। अभी रेज बेटर क्यों है डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए, देखो डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए सबसे बेटर रेज है, उसके बाद में एनर्जी है, उसके बाद में अगर देना है तो ग्रिड दे सकते हो, यस ग्रिड भी दे सकते हो अगर अगर कोई सीटीपी नहीं है तो। बाकी देखो सबसे बेटर यहाँ पे रेज ही है, क्योंकि इसका स्किल रोटेशन जो है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला है, इसका फिफ्थ स्किल जो है उसका एनिमेशन काफ़ी देर तक चलता रहता है, और यहाँ पे एनर्जी अगर दोगे तो प्रॉक आपका अच्छे से काम नहीं करेगा, मतलब चलो रोटेशन वाइज 5-4-3 करना है तो 3 पे प्रॉक लाना है, अगर यहाँ पे 5 यूज करोगे तो देखो यहाँ पे इसका जो एनिमेशन है काफ़ी देर तक चलता रहता है, तो प्रॉक एक्टिव होने का चांस रहेगा एनर्जी वाले में। बाकी रेज में अगर प्रॉक एक्टिव होता है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेज का इफेक्ट चलता रहता है, जितने अगर उसका प्रॉक एक्टिव भी हो गया तो भी वो चलता रहेगा, उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, प्रॉक की टेंशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे 5 सेकंड के लिए बॉस का डैमेज डिक्रीज हो जाएगा 60% से, तो ये 5 सेकंड का जो टाइम है ना वो पूरा 5 सेकंड तक बॉस का डैमेज डिक्रीज रहेगा 60 सेकंड के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉक का टेंशन नहीं रहता है, तो इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज पे रेज सबसे बेटर है। बाकी आइसोलेट भी हो गया। अभी उरू देखो, उरू कैसे देना है, उरू देने के टाइम आप सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि आपके कैरेक्टर के डिटेल पे किस चीज़ की कमी है, ठीक है, किस चीज़ की कमी है बस वो देखो। उरू दो, मान लो कि यहाँ पे एक स्लॉट एम्प्लीफाई किया यहाँ पे उरू दिया, 2-4 उरू दे दिया, उसके बाद में फिर बैक जाओ, इन्फो में जाओ, डिटेल में जाओ, फिर से देखो कौन सी चीज़ की कमी पड़ रही है, अभी भी कौन सी चीज़ की कमी पड़ रही है, उसके बाद में यहाँ पे देखने के बाद सेकंड स्लॉट में आओ, इसको एम्प्लीफाई करो यहाँ पे, फिर से उसी हिसाब से उरू दो, यहाँ पे दे दिया, उसके बाद में फिर से बैक जाओ, उसके बाद में डिटेल में जाओ, अब फिर देखो यहाँ पे किस चीज़ की और कमी रह गई है, ठीक है, कौन सी चीज़ और हमको देना है, जैसे कि क्रिटिकल रेट, क्रिटिकल डैमेज, इग्नोर डिफेंस, उसके बाद में कूल डाउन, डॉज, ये सब, अटैक स्पीड, ये सब देखना रहता है। तो इस तरह से आप किसी भी कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हो, एक एक करके एक एक स्लॉट में जाओ, एम्प्लीफाई करो, उरू दो, बैक जाओ, उसके बाद में फिर से इन्फो में जाओ, डिटेल में जाओ, फिर से चेक करो यहाँ पे किस चीज़ की कमी रह गई है, और फिर आप नेक्स्ट स्लॉट में जाके एम्प्लीफाई करके उरू दो, इस तरह से उरू देना है। ऐसा नहीं है कि बस उरू पे आ गए और ऐसे एक एक करके एम्प्लीफाई किया यहीं पे और देते चले गए, तो इस तरह से मत करना भाई। उरू देते वक्त आपको देखना है कि किस चीज़ की कमी है, खास उरू का मतलब यही है भाई, फिर से समझ जाओ, उरू का यही मतलब है कि जो भी आपके कैरेक्टर के डिटेल में जिस चीज़ की कमी पड़ रही है उसको आप उरू से पूरा करो। काफ़ी लोग बोलते हैं भाई आप उरू चेक नहीं करते हो, मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ यहाँ पे, आईडी चेक करता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं भाई उरू चेक नहीं करते हो, देखो भाई उरू चेक करने वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप खुद से यहाँ पे देख के करना पड़ता है, ठीक है, मैं अगर लाइव स्ट्रीम में देखूंगा भी तो भी समझ में नहीं आएगा कि उरू अच्छा दिया या गलत दिया, सिवाय यहाँ पे अगर डिफेंस वाला उरू दिया है तो उसको मैं गलत बोल दूंगा कि ये गलत है, और रिकवरी वाला दिया है तो उसको भी गलत बोल सकता हूँ, बाकी उसके अलावा कोई भी आप उरू दोगे तो उसको कोई भी बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे देना रहता है उरू। तो हो सकता है भाई आपने अगर एचपी का उरू दिया तो आपको एचपी की जरूरत हो, क्रिटिकल रेट का दिया है तो क्रिटिकल रेट की जरूरत हो, क्रिटिकल डैमेज के दिया है तो उसका जरूरत हो, या फिर मतलब समझ रहे हो ना, जरूरत के हिसाब से यहाँ पे देना है। तो इसलिए प्लीज़ चेक करते रहना डिटेल और उरू देते रहना, एक एक करके देना, एक एक स्लॉट का देना, और इन्फो में जाके डिटेल चेक करते रहना, इस तरह से आपको कैरेक्टर बिल्ड करना है, कोई भी कैरेक्टर, चाहे डॉक्टर स्ट्रेंज हो, चाहे आयरन मैन हो। देखो आयरन मैन को मैंने सीटीपी दिया है, सीटीपी ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो सीटीपी ऑफ एनर्जी वैसे आयरन मैन के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसका स्किल रोटेशन अच्छा है, ठीक है, इसका स्किल रोटेशन अच्छा है, 3-4-5 करके कैंसिल करके इसका प्रॉक ला सकते हो। बाकी अगर सीटीपी नहीं देना चाहते हो तो डैमेज प्रॉक अब्लेस से भी काम चल जाएगा, लेकिन देखो अगर आपके पास रेज है तो सबसे बेटर रहेगा रेज दे दो। रेज देने का मकसद क्या है, देखो मकसद ये है रेज देने का, क्योंकि वही जो मैंने पहले बोला आपको, स्किल देखना है, टोटल स्किल देखना है सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर इसका स्किल देखोगे तो इसके पास 50% का क्रिटिकल डैमेज है टियर 2 पैसिव में, ठीक है, यहाँ पे 50% का क्रिटिकल डैमेज है,
और गारंटी डॉज है, 30% का गारंटी डॉज, तो रेज के लिए डॉज चाहिए। बाकी यहाँ पे 4-स्टार पैसिव देख लो, इसमें क्रिटिकल रेट है और इसमें भी डॉज है, तो 53% का डॉज मिल रहा है आपको, तो रेज के लिए डॉज मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे बेटर रहेगा अगर आप रेज दे दोगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा काम करेगा, अच्छे से अप्लाई होगा। बाकी एनर्जी में क्या दिक्कत है, इसका क्रिटिकल डैमेज देखो, इसके एनर्जी में भी 43% का क्रिटिकल डैमेज है और इसके टियर 2 पैसिव में भी डैमेज क्रिटिकल डैमेज है। अगर डिटेल में देखोगे तो 50% से यहाँ पे ज़्यादा है, मेरे डिटेल में देखो क्रिटिकल डैमेज 50% से ज़्यादा हो रहा है आयरन मैन पे, ठीक है। तो अगर एनर्जी नहीं देते तो ये एडजस्ट हो जाता, 43% कम हो जाता इसमें से। बाकी खेलने के लिए भी अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट CTP रेज ही है नॉर्मल वाला, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में सबसे बेस्ट CTP रेज है डैमेज के लिए। और ABX में भी इसको यूज़ करोगे, देखो ये जो व्हाइट वाला बिलेन वाला यूनिफॉर्म है ना, ABX में यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ब्लास्ट बिलेन चाहिए हमको ABX में, रिक्वायरमेंट है। अगर मेफिस्टो नहीं है तो इसको यूज़ कर सकते हो, और अगर रेज देके करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा, बेटर स्कोर मिलेगा। तो सबसे बेस्ट CTP जो आयरन मैन के लिए है वो है रेज, उसके बाद में आप CTP ऑफ एनर्जी भी दे सकते हो। अगर एनर्जी भी नहीं है तो डैमेज प्रॉक ऑब्लेक्स भी दे सकते हो। अभी डैमेज प्रॉक ऑब्लेक्स क्या होता है, तो डैमेज प्रॉक ऑब्लेक्स है क्या मेरे पास, नहीं, ओके, किसके पास है डैमेज प्रॉक ऑब्लेक्स, अरे यार इसके पास भी CTP है, डैमेज प्रॉक ऑब्लेक्स, ओके, तो कैप्टन के पास है। तो देखो यार, इंक्रीज बेसिक डैमेज बाय 140% फॉर वन अटैक, तो ये 200% तक का आता है, ठीक है, डैमेज प्रॉक इसको बोलते हैं, ये 200% तक का आता है, 140, 160, 180, 200 का आता है, तो इसको डैमेज प्रॉक बोलते हैं। तो इस टाइप का ऑब्लेक्स भी दे सकते हो, डैमेज प्रॉक वाला ऑब्लेक्स। बाकी ध्यान देना किस चीज़ का ऑब्लेक्स देना, जैसे कि क्रिटिकल रेट, क्रिटिकल डैमेज, डॉज, इग्नोर डिफेंस, इग्नोर डॉज, सबका आता है, सबका यहाँ पे ऑब्लेक्स मिलता है, ठीक है। देखो लाइटिंग डैमेज, पॉइजन डैमेज, ये जो है लाइटिंग डैमेज, पॉइजन डैमेज, ये उन कैरेक्टर को देना है जो कि इस टाइप के डैमेजिंग कैरेक्टर हैं। जैसे कि अभी देखो पॉइजन डैमेज में आपका ग्रीन गोब्लिन आ गया, यानी कि उसी सेम टाइप के कैरेक्टर को देना है, और लाइटिंग डैमेज में थोर आ गया, तो इस टाइप के कैरेक्टर, एलिमेंटल टाइप का ऑब्लेक्स एलिमेंटल टाइप कैरेक्टर को देना है। फायर डैमेज का यहाँ पे ह्यूमन टर्च लाइक हो गया कैरेक्टर, उसको देना है। तो इस तरह से ध्यान से आप ऑब्लेक्स देना। देखो यहाँ पे है मैक्स SP माइंड डैमेज 200 का प्रॉक, ये है प्रॉक, तो मैक्स SP यहाँ पे है, अगर SP की जरूरत है SP वाला दे सकते हो, नहीं तो फिर गार्डबे कम्युनिटी की जरूरत है गार्डबे कम्युनिटी वाला दे सकते हो। प्रॉक नीचे रहना चाहिए, यहाँ पे देखो गार्डबे कम्युनिटी 140 का प्रॉक है, तो इस तरह का ऑब्लेक्स दे सकते हो। अरे हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आया था मैं आपको बता दूँ, ये देखो ये वाला जो है ना, ये वाला इसको प्रॉक नहीं बोलते हैं, एक्टिवेशन रेट 10% चांस ऑन अटैकिंग, एनर्जी डैमेज 270% ऑफ एनर्जी अटैक, ये डैमेज प्रॉक नहीं है भाई, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डैमेज प्रॉक है, लेकिन ये डैमेज प्रॉक नहीं है। इसका क्या है, देखो अटैकिंग विल कॉज एन एनर्जी बीम टू फॉल ऑन द हेड ऑफ एनिमी एंड कॉज डैमेज, तो ये डैमेज प्रॉक नहीं है, ये यहाँ पे ऊपर से गिरेगा और डैमेज देगा करके लिखा है, एनर्जी बीम, ठीक है, तो इसको डैमेज प्रॉक नहीं बोलते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे बिल्ड करना किसी भी कैरेक्टर को, ना कि यहाँ पे सिर्फ आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज, बाकी सारे कैरेक्टर को आप इसी हिसाब से बिल्ड कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई भी कमेंट में लिख के बताओ, कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख के बताओ, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।